मुगलाई पनीर व्हाइट कोरमा। मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका कोश किचन में। दोस्तों, कोश किचन में आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत हुई मुगलई दस्तखानों से। आगे चलकर ये रेसिपी राजपूताना दावतों की शान बनी और आज के वक्त में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के किसी भी खास मौके पर ख़ास मेन्यू में इस खास रेसिपी का होना लाजमी है। जी, हम बात कर रहे हैं पनीर वाइट कोरमा की। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को गुनगुने पानी में कुछ देर के लिए भिगो लेंगे। मुगलई पनीर कोरमा बनाने के लिए हम 300 ग्राम पनीर का इस्तेमाल करेंगे और पानी उतना लेंगे जितने में 300 ग्राम पनीर भीग जाए। पनीर को हम पहले ही गुनगुने पानी में इसलिए डुबो कर रखते हैं ताकि पनीर जो है वो बिल्कुल नरम सा बने। जब हम सीधा उसे तल कर बनाते हैं तो, और या फिर हम ऐसे ही बनाते हैं तो पनीर की जो नरमियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पनीर बनाएं उसे हल्के गर्म पानी में कुछ देर भिगो कर ज़रूर रख लें। तो हम यहाँ भिगोएंगे, तलेंगे नहीं। अगर आप तलना चाहें तो तलने के बाद भी उसे एक बार गर्म पानी में ज़रूर कुछ देर के लिए भिगो कर रख दें। तो अब हम पनीर को काट लेते हैं। पनीर को आप कोई भी मनचाही शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो चौकोर काट लें, मैंने यहाँ इसे त्रिकोण शेप दी है। अब पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल जो है बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। बस हमें इसे 2 मिनट गर्म करना है। अगर बॉयल उठने लगेगा तो पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और पनीर जो है वो टूट जाएंगे। अब इस पानी को हम आहिस्ता से पनीर में डाल देंगे और जब तक हमारा पनीर तैयार होता है तब तक इसे इसी पानी में डालकर रखेंगे। अब दूसरी तरफ हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। हमें करना ये है कि 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं ग्रेवी के लिए और इसको हमें करीब आधा ग्लास दूध में उबालना है। तो हम आधा ग्लास दूध को पैन में डालेंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज। जब तक हमारे प्याज उबल रहे तब तक मैं आपको बता दूं कि हमारी मुगलई ग्रेवी तैयार कैसे होगी। यहाँ पर हमने लिए हैं 20-25 काजू, 20-25 बादाम। इनको हमें पीसना है और इसका एक थिक पेस्ट बनाना है। आप चाहें तो पोस्ता दाना यानी कि खसखस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट तैयार करने के लिए हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। पहले हम इसे ऐसे ही दरदरा पीसेंगे, इसके बाद अगर ये पतला नहीं होता तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि पेस्ट थोड़ा सा दरदरा हो गया है। अब ऐसे में हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसा पेस्ट हमें चाहिए था वैसा तैयार हो गया है और दूसरी तरफ जो हमारे प्याज थे वो भी नरम पड़ चुके हैं। तो ऐसे में ये जो प्याज है दूध से छान कर इनको ठंडा कर लेंगे और इस दूध को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इस दूध को हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। प्याज ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 से 3 जवे लहसुन के लिए हैं, 4 हरी मिर्च ली हैं। आप चाहें तो इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं और छोटा सा पीस, 2 छोटे पीस हमने अदरक के लिए हैं। अब इसे पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब पेस्ट देखेंगे, पेस्ट तैयार हो गया है। कोई भी मुगलई डिश जब हम बनाते हैं तो ध्यान रखें कि उसे देसी घी में बनाया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप आधा रिफाइंड ऑयल और आधा देसी घी इस्तेमाल करें, या फिर आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर देसी घी लेंगे। अब पैन गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम देसी घी। अब घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 2 लौंग, आधा चम्मच जीरा,
साथ ही डालेंगे दो इलायची जिसे हम थोड़ा सा फोड़ लेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो दालचीनी भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही आंच कम करेंगे और इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया था अदरक लहसुन हरी मिर्च का, वो आहिस्ता से डालेंगे। इसे एक डेढ़ मिनट के लिए तेज़ आंच पर हम भून लेंगे और जब आपको लगे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है तो हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट जिसे हमने पहले ही उबाल लिया था। अब इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर रहने देंगे। मुगल काल में इसे गोश्त के साथ मिलाकर पकाया जाता था, लेकिन जो वेज खाने के शौकीन थे, जो नॉनवेज नहीं खाते थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसे पनीर के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर बनाने लगे और इस तरह से पॉपुलर हुआ ये मुगलई कुजीन, जिसे आज आप और हम बहुत शौक से खाते और खिलाते हैं। तो अब 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट, अच्छी तरह मिला लेंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 चम्मच दही, गाढ़ी दही है ये, इसको हम एक बार मिक्सी में चला लेंगे। आप चाहें तो अच्छे से फेंट सकते हैं, अगर दही ना हो तो आप एक मीडियम साइज़ के टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत खट्टा नहीं करना है, बहुत ज़रा सा हल्का सा खट्टापन हमें देना है, वरना जो इसकी मिठास होती है क्रीमी वो ख़त्म हो जाएगी। अब दूध मिक्सी जार में जो दही और काजू का पेस्ट था उसमें पानी डालकर मैंने खंगाल लिया है और इसको मैं इसमें डाल दूंगी। आपको अलग से पानी नहीं डालना है, ये ज़रूरत थी मुझे इसलिए मैं डाल रही हूँ। बाकी इसकी जो ग्रेवी अभी आपको ठीक दिख रही है, ये थोड़ी हल्की हो जाएगी जब मैं इसमें दूध डालूंगी, जो प्याज का बचा हुआ दूध था वो। अब इसे 5 मिनट के लिए यूं ही ढक कर रख दें। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम सफ़ेद मिर्च पाउडर जिसे दखनी मिर्च पाउडर भी कहते हैं, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसके साथ ही डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक नमक। 2 मिनट इसे दम पर रहने देते हैं और फिर इसे चेक करेंगे। 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, आप देख सकते हैं घी ने अच्छे से मसाला छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे वो दूध जो प्याज उबालते वक्त बचा हुआ था, साथ ही हम डालेंगे पनीर, इसका पानी निथार लेंगे और इस पानी को आटा गूंथने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे कसूरी मेथी जिसे हमने हल्का सा भून लिया है, इसको क्रश कर लेंगे और अच्छी तरह मिला लेंगे। बहुत आहिस्ता से चलाना है, तेज़ नहीं चलाना है। अब 2 से 4 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर यूं ही रहने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, आप देख सकते हैं घी ऊपर आ गया है और पनीर वाइट कोरमा जो है वो लगभग तैयार है। अब इसकी ग्रेवी जो आपको जितनी हल्की लग रही है, पूरी तरह थिक नहीं है, लेकिन जब ये ठंडा होगा, जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे इसकी ग्रेवी जो है वो और भी ज़्यादा थिक होती जाएगी, इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा पतला ही रखा है। इसके बाद उतारते वक्त हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। कई लोग पनीर वाइट कोरमा में हरा धनिया नहीं डालते, मैंने यहाँ डाला है, आपकी मर्ज़ी ना हो तो आप ना डालें। और इसके बाद आंच को बंद कर दें, 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही दम पर रहने दें और इसके बाद इसकी सर्विंग करें। बनकर तैयार है हमारी आज की खास रेसिपी, मुगलई पनीर वाइट कोरमा।
आज की ये खास रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसी खास रेसिपी के साथ ही आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त।